एवरीवन, एक और जहां पठान की धूम है तो दूसरी ओर ऐसी फिल्में आई हैं जो काफी बड़े मुद्दे को समेटे हैं। महात्मा गांधी की हत्या से जुड़ी राजकुमार संतोषी की फिल्म गांधी गोट से एक युद्ध आ गई है। इस कहानी की शुरुआत होती है कल्पना से, अगर महात्मा गांधी बच गए होते तो क्या होता, क्या क्या हो सकता था। इन संभावनाओं को मेकर्स ने दिखाने की कोशिश की है। वह इस कल्पना के साथ फिल्म की शुरुआत करते हैं कि गांधी को गोली तो जरूर लगी मगर वह बच गए। अब क्या क्या करते हैं, इन चीजों पर प्रकाश डाला गया है। वह दिखाते हैं कि कैसे महात्मा गांधी गोडसे को माफ कर देते हैं, वह उनसे जेल में मिलने जाते हैं, दोनों अपनी अपनी विचारधारा पर बहस करते हैं। इसी को केंद्र में रखकर फिल्म की कहानी को गढ़ा गया है। गांधी गोडसे के युद्ध में भूमिका गांधी की दीपक अंतानी ने, गोडसे की भूमिका चिन्मय मंडेलन ने की है। राजकुमार संतोषी ने अपनी फिल्म के जरिए गांधी के दूसरे पहलू को दिखाया है। फिल्म की शुरुआत भारत पाकिस्तान के बंटवारे के साथ शुरू होती है। देश में बंटवारे का दर्द है। धीरे धीरे फिल्म हिंदू और सिख के उस हिस्से पर पहुंचती है, कैसे ये समुदाय महात्मा गांधी के खिलाफ हो गए थे। फिल्म का पहला भाग कहानी को बनाने में चला जाता है। गांधी गोडसे के युद्ध में कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को शामिल किया गया, जैसे हिंदू मुस्लिम शांति के लिए गांधी का आमरण अनशन और इसे समाप्त करने की शर्तें। गांधी बनाम गोडसे की चर्चा साल 1948 से चली आ रही है। फिल्म में कल्पना की है गांधी और गोडसे आमने सामने बहस कर रहे हैं। यह दृश्य जेल के है मगर ये सीन्स काफी फीके लगते हैं। एक युद्ध का शब्दों से चल रहा है, दोनों अपनी अपनी विचारधारा और एक्शन पर बात करते हैं मगर ये शब्दों का खेल कमजोर सा लगता है। फिल्म में उन सोशल मुद्दों को भी छूती है जब गांधी जी ने ग्राम स्वराज्य की स्थापना की, वह पिछड़े दलितों के सपोर्ट में एक मुहिम की शुरुआत करते हैं। सीन दर सीन कई घटनाओं को चित्रित किया जाता है। ये भी दिखाने की कोशिश की जाती है कि कैसे उस समय लोगों की भावनाओं को नैरेटिव का हेरफेर करके दिखाया जाता था। अभिनय की बात करें तो दीपक अंतानी और चिन्मय मंडेलकर ने गांधी और गोडसे का रोल ये किए हैं। दोनों ही इन किरदारों के साथ न्याय करते हैं, इनका उच्चारण भी जस्ता है। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू की भूमिका भी, पवन चोपड़ा, बाबा साहब अम्बेडकर, मौलाना आजाद, सरदार पटेल के किरदारों में सभी कलाकारों ने फिल्म में अपना योगदान ठीक ठाक ही दिया है। अब आते हैं डायरेक्शन पर, तो गांधी गोडसे एक युद्ध का डायरेक्शन राजकुमार संतोषी ने किया। इस ड्रामा पर वह ग्रिप तो ठीक बनाते हैं लेकिन निर्देशन में कई बार उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं, लेकिन फिल्म का ट्रीटमेंट ऋषि पंजाबी की सिनेमाटोग्राफी, लाइट प्ले और मैक्रो वीडियोग्राफी ठीक लगती है। बंटवारे के दौरान की गई घटनाओं को इस तरह दर्शाया गया है मानो यह दोबारा जीवित हो गई हो। असगर वजाहत के संभाव प्रभावशाली है, विशेष रूप से गांधी के डायलॉग जैसे सरकारें हुकूमतें करती हैं सेवा नहीं, यह भी काफी जस्ता है। फिल्म में ब्रह्मचर्य जैसे गांधी की कुछ विचारधारों पर आलोचनात्मक नजर डालती है। कस्तूरबा गांधी के बारे में उनका यह कहना है कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से उसका साथ गलत किया था। इसके साथ ही जयप्रकाश नारायण, हरिलाल और मणिलाल गांधी या गोडसे के अन्य नेताओं को याद करने का उल्लेख भी कुछ जवाबदेही प्रदान करता है। संगीत की बात करें तो इसमें म्यूजिक ए आर रहमान जैसे दिग्गज कलाकार ने दिया है। इसके दोनों गाने वैष्णव जन तो रघुपति राघव फिल्म में बढ़िया सेट भी होते हैं। गांधी गोडसे एक युद्ध देखने लायक मूवी है। अगर आप पहले भाग को धैर्य पूर्वक पूरा कर लेते हैं तो दूसरा भाग आपको अच्छा लगेगा, लेकिन यह फिल्म उन लोगों को जरूर निराश करती है जिन्होंने इस देश के लिए जोखिम उठाया, दिन रात एक किया और कुर्बानी देकर हिंदुस्तान बनाया। चलिए तो रहा मेरा रिव्यू, अब आप बताइए आपको मूवी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, बाय बाय।